हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती हूँ। रेडी किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और सभी को बहुत ही पसंद आती है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को तीखा ही पसंद आता है, पर कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो चलिए देखते हैं कि साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर क्रीम वाला दूध लिया है, 1 कटोरी साबूदाना जिसको कि हमने अच्छे से साफ करके और इसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, उसके बाद पानी से निकाल लिया है, आधी कटोरी चीनी, 10-15 केसर के धागे, 10-15 काजू, 7-8 बादाम है और किशमिश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को गर्म कर लेंगे। 1 उबाल आने तक दूध को गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें साबूदाना डालेंगे। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। काजू को हम लंबाई के शेप में काट लेंगे इस तरह से। सारे काजुओं को हम इसी तरीके से काट लेंगे। काजू मैंने काट लिए, थोड़े से काजू मैंने गार्निश करने के लिए बचा दिए हैं। इसी तरीके से मैं बादाम भी काट लूंगी। ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं और दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम देखते हैं, दूध में 1 उबाल आ चुका है, दूध गर्म हो चुका है। अब हम इस दूध को थोड़ा सा केसर में डाल देंगे, जिससे कि केसर का कलर आ जाए दूध में। इसको हम रख देंगे और दूध को चला देंगे। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे जो हमने भिगो के रखा हुआ था। साबूदाना को कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि दूसरा उबाल ना आ जाए। गैस को हम मीडियम रखेंगे। साबूदाने को हमें कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये तले में लग सकता है। अगर ये तले में लग जाएगा तो फिर साबूदाने की खीर का टेस्ट खराब लगेगा, इसलिए हमें दूसरा उबाल आने तक इसे कंटिन्यू चलाना है। साबूदाने में दूसरा उबाल आ चुका है, साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो रहा है और लगभग इसको हमें 10 मिनट तक और पकाना है। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। खीर गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ा सा हम गार्निश करने के लिए रख देंगे और इलायची पाउडर। ये सब चीज़ों को हम 3-4 मिनट तक पका। 4 मिनट हो चुका है, खीर हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें केसर ऐड करेंगे। केसर ऑप्शनल है, मैं जो है केसर वाली खीर बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें केसर डाली है। आप विदाउट केसर भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी और गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। अगर हम पहले चीनी डालते हैं तो दूध फटने का डर रहता है, इसलिए चीनी एकदम लास्ट में डाली जाती है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। खीर बनकर तैयार है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें चीनी लास्ट में डाली है तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। साबूदाने की खीर बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, जब आप साबूदाने की खीर बनाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब साबूदाना आप डालें तो उसको कंटिन्यू चलाते रहें। अगर ज़रा सा भी तले में लग गया तो फिर खीर का टेस्ट खराब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।